दोस्तों नमस्कार। आज हम किसानों की बात कार्यक्रम में अजोला घास पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों किसानों की बात कार्यक्रम में मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो घास आप देख पा रहे हैं यह घास अजोला घास है। अजोला एक जैव उर्वरक है। एक तरफ जहां इससे फसल की पैदावार बढ़ती है, वहीं यह मुर्गी पालन, मछली पालन और दुधारू पशुओं, चाहे वे गाय हो या भैंस हो या अन्य कोई भी दुधारू पशु, उनके चारे के रूप में बहुत ही उपयोगी है। दूध की मात्रा बढ़ाने में भी यह चारा बहुत ही उपयोगी माना गया है। किसान भाइयों, अजोला पानी में पनपने वाली घास है। यह अनुकूल वातावरण में 5 दिनों के अंदर ही दोगुनी हो जाती है। किसान भाइयों, इसके लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनुकूल होता है। किसान भाइयों, अजोला घास सस्ता, सुपाच्य, पौष्टिक व पूरक पशु आहार है। दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध में फैट की मात्रा में बहुत ही इजाफा होता है। किसान भाइयों, ये घास पशुओं में बांझपन की समस्या को भी दूर करता है। किसान भाइयों, अजोला घास में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे पशुओं के पेशाब में खून आने की समस्या का भी यह निवारण करता है। अजोला घास से पशुओं में कैल्शियम, फास्फोरस व लोह तत्व की भी पूर्ति होती है। किसान भाइयों, अजोला घास पशुओं को खिलाने से पशुओं का शारीरिक विकास भी होता है और अजोला घास में प्रोटीन, आवश्यक एमिनो एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12 तथा बीटा कैरोटीन, खनिज लवण, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम आदि कई पोषक तत्वों की भी प्रचुरता होती है, जिसके कारण यह अजोला घास पशुओं के लिए आदर्श आहार माना जाता है। किसान भाइयों, यह वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखें। यह वीडियो आपकी खेती और पशुपालन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। अजोला घास प्रतिदिन दुधारू पशुओं को कम से कम 250 ग्राम व अधिकतम 1.5 से 2 किलोग्राम प्रतिदिन देना उत्तम माना जाता है। इसे आप सूखे चारे में मिक्स करके आसानी से पशुओं को दे सकते हैं। किसान भाइयों, यह घास जल में बहुत तेजी से बढ़ती है। किसान भाइयों, इसे अपने खेत पर आसानी से लगा सकते हैं। इसमें कोई विशेष लागत नहीं आती है। यह घास पशुओं में एंटीबायोटिक अथवा प्रतिजैविक का कार्य भी करती है, जिससे पशु बार बार बीमार नहीं होते हैं। किसान भाइयों, इसे लगाना बहुत आसान है। अपने खेत पर छोटा सा पोखर बना लीजिए और उसमें इस घास का उत्पादन आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बड़े टब, बर्तन, पानी की पक्की खेली में भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, आप अपने खेत पर सुविधा अनुसार 8 से 10 इंच का समचौरस गहरा गड्ढा खोदकर उसमें प्लास्टिक का तिरपाल बिछा लें और उसे पानी से भर दें। उसके बाद इसमें 100 ग्राम से लेकर आधा किलो तक अजोला घास आपके आसपास में जहां भी उपलब्ध हो लाकर बनाए गए पानी के इस पोखर में डाल दें। धीरे धीरे आप देखोगे कि 2 से 3 दिन में ये पोखर अजोला घास से लबालब हो जाएगा। बाद में इसे छलनी से बाहर निकालकर सूखे चारे में मिला करके पशुओं को थोड़ा थोड़ा करके आप दे सकते हैं। किसान भाइयों, रोजाना जितनी घास आप निकालोगे उतनी ही 4 से 5 दिनों में वापस तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप एक बार अजोला घास को लगाकर प्रतिदिन घास की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल CH नोगिया पवार को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। किसान भाइयों, अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ हम किसानों की बात कार्यक्रम में आपके सामने
उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।